एक बार में छह लिगैंड के साथ में बाइंड करना होगा ठीक है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चाहिए, टोटल सिक्स होने चाहिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ठीक है अब देखो एक एक करके इनके एक बार नाम जो लिखे हुए हैं इनसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहाँ लिखा है डाय अमाइन इथाइडीन डाइसाइनेटो एस प्लेटिनम टू आयन तो देखो प्लेटिनम ये हो गया डायमाइन का मतलब क्या हो गया एन एच थ्री कितने दो इथाइलिन डाया जो कि अपने आप में इथाइलिन डायमीन ऐसा होता है कुछ ये आपका इथाइलिन डायमीन होता है नाइट्रोजन लोन पेयर के थ्रू बाइंड करता है ठीक है सो ये ऑलरेडी बाइडेंटेड लीगेंट है इसको शॉर्ट में हम ई e भी बोलते हैं क्लियर इसको ई e बोलते हैं तो ई e

यहां पर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर है ठीक है सेकेंड में देखो डाई अमाइन सेकेंड के लिए हो जाएगा पीटी डाई अमाइन का मतलब हो जाएगा एन एच थ्री ट्वाइस फिर क्या लिखा है इथाइलिन डायन दैट इज ई एन फिर लिखा है थायो साइनेटो एस प्लैटिनेट फोर आयन ठीक है तो थायोसाइनेटो एस का हो जाएगा एस सी एन टू अच्छा अब प्लाटीनेट लिख दिया है प्लेटिनेट फोर कर दिया प्लेटिनेट अगर फोर देखो कैटायन बोला है इन्होंने तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कैटायन होता है तो उसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है उसका नाम एज इट इज रहता है उसके नाम में कोई छेड़छाड़ नहीं होती प्लैटिनम है तो प्लैटिनम ही रहेगा निकल है तो निकल ही रहेगा यहाँ पे प्लैटिनेट लिख देने का मतलब क्या है कि ये एनायन बन जाएगा बट ये एनायन नहीं बनाना है हमें कैटायन बनाना है तो सेकेंड ऑप्शन इस वजह से यहाँ से रूल आउट हो जाता है ठीक है अगर मैं इसको फोर करूंगी तो ये फोर कब हो जाएगा यहाँ पर क्या करूं करू क्या करना चाहिए अगर मैं इसको प्लस फोर का ऑक्सीडेशन चाहती हूँ और ये यहाँ से माइनस टू होगा तो कितना बचेगा यहाँ पर प्लस टू हो जाएगा ना ये यानी कि ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा ठीक है ऐसा बनेगा बट ये हो सकता था ना इसका स्ट्रक्चर तो ठीक बन रहा है बट यहाँ नाम गलत लिख दिया प्लाटिनेट कर दिया प्लेटिनम नहीं कर सकते ठीक है पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक थी कि छह आपके कोऑर्डिनेशन नंबर है कॉम्प्लेक्स का टाइम भी बन रहा है लेकिन आपका नाम गलत कर दिया प्लैटिनेट नहीं हो सकता थर्ड में लिखा है डाई अमाइन एथाइलिन डाई अमाइन डाई थायसेनाइट साइनेटो एस प्लैटिनम 4 आयन यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा पीटी सॉरी फार्मूला कुछ ऐसा होगा पीटी थ्री ट्वाइस ईएन एसटीएन ट्वाइस ठीक है एंड फोर आने के लिए यहां पर क्या करूं प्लस 2 कर दूं ठीक है प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आने के लिए कोर्डिनेशन केटाइन ये कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है ऐसा बन जाएगा अब फोर्थ में देखो फोर्थ में लिखा है बिस अब देखो का मतलब हो जाएगा एनएच थ्री ट्वाइस बिस का मतलब क्या हो गया कि इथाइलीन डायमीन कितनी बार है दो बार है यानी कि ये हो जाएगा ई एन टू फिर क्या हो जाएगा डाई थानेटो एस एस सी एन टू ठीक है अब देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया दो तो अमोन दो तो एन थ्री हो गए दो एस सी एन हो गए चार और इन अपने आप में बाइडेंटेड होता है तो दो हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे चार हो जाएंगे तो चार प्लस चार आठ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ही आठ हो रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है ठीक है so इस क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवेन है सो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन भी रूल आउट हो जाता है अब फर्स्ट और थर्ड में देखो कौन सा कॉम्प्लेक्स कैटायन है जो फर्स्ट वाला देखोगे ये तो न्यूट्रल है इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है थर्ड वाले में तो चार्ज है प्लस टू का चार्ज है तभी तो इसे कॉम्प्लेक्स का टाइम कह सकते हैं यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल थैंक यू